हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हल्ला बोल देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं पूजा कविया। हल्ला बोल में आज हम बात करेंगे प्रदेश में बढ़ते भ्रष्टाचार को लेकर। आखिरकार कैसे अवैध कब्जे हो जाते हैं, कैसे इन अवैध कब्जों पर निर्माण भी हो जाता है, आज इसी को लेकर बोलेंगे हल्ला। तो पिछले कुछ दिनों से आप एक मामला सुन रहे होंगे गांव सिरसाड़ का, जहां पर 384 एकड़ जमीन को लेकर काफी विवाद हुआ। विवाद इस बात को लेकर कि इतनी बड़ी जमीन पर आखिरकार अवैध निर्माण कैसे हो जाता है, इस जमीन पर आखिरकार ग्रामीण कैसे बस जाते हैं और इस जमीन पर आखिरकार हक किसका है। तो गोहाना का ये मामला हमने देखा था, जहां पर सिरसाड़ में 384 एकड़ पंचायती जमीन पर कब्जा होता है, 21 सालों तक केस चलता है, लेकिन प्रशासन ने इस कब्जे को छुड़वाया और फिर पुलिस प्रशासन ने विरोध करने वाले 100 से ज्यादा ग्रामीणों के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिए थे। दरअसल इन सब को लेकर हमारा आज का विषय यह है कि जब इस तरीके के कब्जे हो जाते हैं, इस तरीके के जब प्रशासन की नाक के नीचे ग्रामीणों द्वारा कब्जे कर लिए जाते हैं या जिन भी लोगों द्वारा किया जाता है, तो क्या हम विकास की जो बात करते हैं प्रदेश में वो विकास हो पाएगा, भ्रष्टाचार पर लगाम कैसे लग पाएगी, क्या भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में सरकार विफल है, ग्रामीणों के साथ क्यों अन्याय कर रहा है प्रशासन, क्या ग्रामीणों की सुनने वाला कोई नहीं है। आप भी इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं, हल्ला बोल कर सकते हैं। कार्यक्रम में जुड़ने के लिए टेलीफोन नंबर आप सभी के सामने मौजूद है, फोन उठाइए, हमें घुमाइए और हमारे साथ संपर्क कीजिए। और अगर आपके इलाके में भी कुछ इस तरीके के वाक्य सामने आए हैं, कुछ इस तरीके की घटनाएं कुछ सामने आई हैं, तो आप हमारे साथ जरूर जुड़े, क्योंकि ये कोई पहला मामला प्रदेश में नहीं है। इससे पहले भी हमने देखा लगातार कुछ एक ऐसी जमीनें हैं जहां पर कब्जा कर लिया जाता है, हेरफेर हो जाती है, घोटाला हो जाता है, किसी की जमीन की रजिस्ट्री किसी को भेज दी जाती है, किसी की जमीन किसी के पास चली जाती है। आखिर ऐसा विकास के नाम पर जो भ्रष्टाचार का खेल है कब तक चलता रहेगा, आज इसी को लेकर आपको हमारे साथ जुड़ना है, हल्ला बोल करना है। कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आप सभी दर्शक हमारे साथ जरूर जुड़ें, फोन कीजिए, हमें फोन पर अपनी राय, अपने विचार, अपने सुझाव हम तक जरूर पहुंचाएं। तो क्या ऐसे होगा प्रदेश में विकास, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में सरकार आखिरकार विफल क्यों है, ग्रामीणों के साथ प्रशासन अन्याय क्यों कर रहा है, क्या ग्रामीणों के सुनने वाला कोई नहीं है। जो भी आपको लगता है, जो भी आपकी नजर में राय है इस मुद्दे को लेकर हम तक जरूर पहुंचाएं। तो गोहाना का गांव सिरसाड़, जहां पर 384 एकड़ जमीन पर ग्रामीणों द्वारा अवैध कब्जा हो जाता है, फिर प्रशासन ने हाईकोर्ट के आदेश पर दो दिन पहले ही इसको छुड़वाया था, लेकिन इस दौरान कुछ ग्रामीणों ने प्रशासन की इस कार्रवाई का विरोध किया था। पुलिस ने अब इस मामले में मौके पर लगाए गए खरखौदा तहसील के जो तहसीलदार है उसके बयान पर सरकारी काम में बाधा डालने के मामले में 100 से ज्यादा ग्रामीणों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस मामले में पुलिस ने दो ग्रामीणों को भी गिरफ्तार किया। पुलिस दोनों ग्रामीणों को अदालत में पेश भी करेगी और जेल भी भेजने का काम करेगी। वहीं इस दौरान एग्रीकल्चर 300 एकड़ जमीन पर कब्जा ले लिया गया था और इसके अलावा जो बाकी बची 84 एकड़ रिहायशी जमीन है उस पर कब्जा छुड़वाने के लिए प्रशासन दोबारा से नोटिफिकेशन जारी करके दोबारा से कार्रवाई भी करेगा। तो इस तरीके के मामलों में ग्रामीणों द्वारा नाजायज कब्जे पर रखे थे, इसी को लेकर मामला हाईकोर्ट में भी चला, लेकिन इस मामले में हाईकोर्ट का फैसला ग्रामीणों के खिलाफ आ गया था। हाईकोर्ट के फैसले आने के बाद गोहाना प्रशासन ने एक हफ्ते पहले ही इस गांव के साथ ही जो अन्य गांव हैं जहां की वो जमीनें हैं वहां पर नोटिस भी दिया था, लेकिन जब ग्रामीण नहीं माने तो उसके बाद कदम उठाना पड़ा। विजय देशवाल हमारे साथ जुड़े हैं। विजय जी नमस्कार, बताइए क्या राय है इस मुद्दे पर आपकी। सबसे पहले तो मैं जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एक इतना अच्छा कदम उठाया है कि इससे भाई पूरे प्रदेश का भला होने वाला है। कोई भी गांव देख लो, हर गांव के अंदर इतने अवैध कब्जे हैं, अच्छे बहुत ज्यादा, उससे अवैध कब्जों से क्या होता है, इतना नाले बनते रास्ते हैं वो भीड़े बन जाते हैं और अवैध निर्माण इतना हो रहा है जिससे आम पब्लिक को बहुत ज्यादा परेशानी होती है और इसमें पीडब्ल्यूडी विभाग को भी और ग्राम पंचायत को भी और बीडीओ को भी
सख्त एक्शन लेने की जरूरत है, लेकिन ये एक्शन लेते नहीं है, क्योंकि जहां भी अवैध कब्जे होते हैं भाई उनका इन लोगों का सहयोग होता है जब ये अवैध कब्जे होते हैं। अगर जरा सा भी कहीं अवैध कब्जा होता है तो तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई हो जाए, तो ये चीजें रुक जाए और इधर आने वाला जो दुखदाई है वो मिट जाए, क्योंकि अवैध कब्जे एक जो सबसे बड़ी बात है लड़ाई झगड़े की जड़ है। बिल्कुल, क्योंकि एक आदमी जब अवैध कब्जा करता है तो साथ साथ दूसरा करता है, तीसरा करता है, चौथा करता है, और उसके रास्ते भीड़े हो जाते हैं और व्यवस्था खराब हो जाती है, और फिर वो अवैध कब्जे हटाने बड़े मुश्किल हो जाते हैं। और अगर आप भी ये अवैध कब्जे हटाए जाए तो ये समझो इसमें आम जनता का, आम पब्लिक का बहुत भला है, और इससे दुर्घटनाएं भी बचती है और पानी की निकासी भी होती है, रास्ते भी खुले रहते हैं और सभी अच्छी व्यवस्थाएं हो, और ये इसके लिए जी धन्यवाद जी। विजय जी बहुत शुक्रिया आपका, ऐसे हम चाहते हैं बाकी के दर्शक हमारे साथ जुड़े। और ये बात तो सच है, कोई भी अगर अवैध कब्जा होता है, अवैध निर्माण होता है, तो बिना किसी की देखरेख के नहीं हो सकता। यहां पर कई कर्मचारी, कई अधिकारी इन सब केसेस में इन्वॉल्व पाए जाते हैं, हालांकि जब जांच पड़ताल होती है तो उन पर कार्रवाई भी होती है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है इस वक्त कि कब तक इस तरीके का भ्रष्टाचार प्रदेश में होता रहेगा, चाहे अवैध निर्माण हो, अवैध खनन हो, अवैध जमीन पर कब्जा करना हो, सरकारी काम में बाधा डालना हो, ये सब कब काम रुक पाएंगे, इसी के खिलाफ आज आपको हल्ला बोलना है। कार्यक्रम में आप सभी दर्शक जल्द से जल्द जुड़ सकते हैं, जुड़कर हमें अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया पहुंचा सकते हैं। तो ग्रामीणों को कोर्ट में पुलिस लेके भी जाती है, और सवाल ये उठता है कि आखिरकार ग्रामीणों के साथ क्या वाकई में अन्याय हो रहा है, या फिर पहले कोई देखरेख करता नहीं है, पहले प्रशासन की नाक के नीचे ये सब हो जाता है, अवैध कब्जे पर अवैध कब्जा हो जाता है, और उसके बाद जब जागते हैं वो तो सब चीजें हाथ से निकल जाती है। कुलदीप हमारे साथ अगले दर्शक, नमस्कार कुलदीप जी, बताइए क्या राय है आपकी। मेरी राय ये है मैडम, बहुत अच्छा किया, ये हमारे गांव में भी ऐसा ही कुछ बहुत आदमियों ने कब्जा किया हुआ है। और मेरे साथ 2014 में मेरे लाल डोरे के अंदर भी, मतलब मैं न्यूज के द्वारा बताना चाहता हूँ, एक जिसपे हमारा कब्जा था, और यहाँ के जो जाट लोग हैं उन्होंने मतलब मेरा घर गिरवा दिया था, जिसके मतलब मेरे पास आरटीआई में मैंने सबूत निकलवाए तो वो नंबर ही नहीं है। ऐसा कुछ मतलब हमारे साथ 2014 में हुआ था। कुलदीप जी फिर आपने शिकायत नहीं की, आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई इस मामले में? मैंने हाई कोर्ट में मतलब अपील की हुई है मैडम, लेकिन अभी तक मेरे जो आरटीआई मैंने डॉक्यूमेंट निकलवाए थे वो अभी तक कोर्ट में पेश नहीं किए गए हैं। तो कुलदीप जी आपके साथ जो कुछ भी हुआ आपको क्या लग रहा है उसके लिए दोषी कौन है, किसकी देखरेख में सब हुआ? इसकी देखरेख में हुआ था, और जिसमें मतलब पैमाइश हुई थी तो उसमें वो नंबर ही नहीं था, और ऑटोमेटिक मतलब जितने गज जमीन पे मेरा केस किया हुआ था उतने जमीन पे मतलब मेरा गिरवा दिया था विदाउट पैमाइश, वो नंबर आज डॉक्यूमेंट में है ही नहीं पटवारी के पास। देखिए इस तरह के केसेस तो सामने न्यूज, हाँ। ये आपके हरियाणा न्यूज के द्वारा मतलब मैं ये अपना जो मेरा जमीनी झगड़ा था इसको मतलब चाहता हूँ कि मेरी हरियाणा न्यूज के द्वारा हेल्प की जाए। बिल्कुल बिल्कुल, और कुलदीप जी हमारा इस खास कार्यक्रम को दिखाने का मकसद भी है, शुक्रिया आपका आप जुड़े हमारे साथ, कि जिन भी लोगों के साथ ऐसा होता है आखिरकार उस पर कैसे पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर सकता है। सुमेर चंद हमारे साथ अगले कॉलर, नमस्कार सुमेर चंद जी, बताइए क्या राय है आज के मुद्दे पर? आज राय तो जी यही है ठीक है बात की, जो नजायज कब्जे हो रहे हैं सभी जमीन पर, ये बहुत गलत है, रास्ते बिल्कुल गलत हो गए गाँव के, और झगड़ा हो रहा है जी, बिल्कुल झगड़ा हो रहा है, तो पंचायती जमीन पे जो झगड़े हो रहे हैं जी, इसके हमारे पास लड़ाइयां भी होती हैं, आपस में कूटते भी हैं, बहुत ही नुकसानदेह चीज है, बाकी पब्लिक भी आने जाने वाली बार की है वो भी बहुत कम होती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुमेर जी आप जुड़े हमारे साथ। अगले दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिले सिंह जी, नमस्कार बताइए क्या कहेंगे आज के मुद्दे पर? सरकार को जो है ना, सरकार है प्लानिंग करने के लिए, बजट देने के लिए, और जो भी
स्टेशन काम करता है पब्लिक के उनके ऊपर निगरानी रखने के लिए और काम पूरा हुआ के नहीं हुआ उसके बारे में सूचना देने के लिए। बाकी प्रशासन जब तक काम नहीं करेगा तब तक जो है ना सरकार भी ऐसा कुछ नहीं कर सकती है। हाँ, सरकार अगर थोड़ी सी सख्त हो जाएगी तो प्रशासन भी काबू में आ जाएगा और एक दो साल तक अगर ये सख्ती बरतेंगे और कामों में सरकार परस्यू करेगी तो जरूरी बात है इनको काम की आदत पड़ जाएगी। नहीं, अभी तो बहुत ढीलमल है। पीछे भी सरकार ने कहा था पिछले चरणों में कि भाई जितनी भी सरकारी जमीनें पड़ी हैं उनसे कब्जे हटाए जाएंगे, तो कब्जा तो नहीं है क्योंकि मेरा जैसा कमजोर आदमी कब्जा नहीं कर रहा है, वो इंदिरा आदमी है। तो अगर जो पंचायत के काबू में नहीं आते ना प्रशासन के काबू में आते हैं क्योंकि इनकी शय होती है। जब तक वे सच्चे रूप से निस्वार्थ और पक्षपात ना करके सरकार अगर काम करती है तो प्रशासन को सख्ती से काम लेती है तो वजह नहीं कि पब्लिक के काम जो है सुचारू रूप से ना हो। तो सरकार खुद ढीली है, सरकार को जो है ना सख्ती करनी पड़ेगी, उसमें रुचि देनी पड़ेगी। बहुत और भी बहुत से काम है, राह रस्ते वगैरह खराब है, रोड वगैरह खराब है, रोड के ऊपर से जो पौधे जंगली पौधे हैं जो कई बार गाड़ियां आपस में क्रॉस भी नहीं होती है उनका एक्सीडेंट की संभावना होती है। तो देखा जाए पिछले ट्रेनों में भी दो चार जगह कहीं इन्होंने जो है रोड की थी होगी और या फिर कहीं भी पूरा किया है। बाकी हमें नहीं लगता कि सुधार किया है। स्कूलों के बारे में इन्होंने कहा था 20 किलोमीटर का हर 20 किलोमीटर का कॉलेज होगा, वो कॉलेज कहाँ रहे? जो सरकारी स्कूल है उनकी व्यवस्था ठीक हो जाएगी, स्टाफ पूरा हो जाएगा, सारी सहूलियतें पूरी हो जाएंगी, उस बारे में नहीं है। स्वास्थ्य के बारे में आपको पता ही है, कल जो आपने दिया था कहीं पीजीआई में रहा है, प्राइवेट डॉक्टर भी जा रहे हैं, खर्चा बढ़ रहा है, कोई नियंत्रण नहीं है, कोई नहीं। मेरे ख्याल में सरकार की भी रुचि नहीं है। अगर सख्ती से काम देंगे और जनता को सही न्याय दिलाएंगे, उनके काम करवाएंगे तो जरूरी बात है जनता जो है सरकार का सम्मान करेगी। नहीं तो जो है ना ये भूमिगत रवैया जो है ना इससे जनता परेशानी होती रहेगी। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका, बिल्कुल सही बात आपने कही। ऐसे ही बाकी के दर्शक हमारे साथ जुड़े जुड़कर अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। लगातार हम टेलीफोन नंबर्स फ्लैश कर रहे हैं और इन नंबर्स पर आप कॉल कीजिए, हमें बताइए कि आखिरकार क्यों इस तरीके से प्रशासन की अनदेखी के चलते अवैध निर्माण अवैध कब्जे हो जाते हैं। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हल्ला बोल में। आज हम हल्ला बोल में बात कर रहे हैं ऐसे अवैध कब्जों की जिसको लेकर अक्सर प्रशासन पर सवालिया निशान उठने लगते हैं। प्रशासन पर इसलिए क्योंकि प्रशासन की बिना अनदेखी के, प्रशासन की लापरवाही के चलते ही इस तरीके के अवैध निर्माण हो जाते हैं। आप भी इस कार्यक्रम में एक बार फिर से जुड़ सकते हैं, हल्ला बोल कर सकते हैं। तमाम दर्शक जो इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं टेलीफोन नंबर्स उनके लिए फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स पर आप कॉल कीजिए, हमारे साथ जुड़िए और जो भी आपकी राय है, जो भी आपके विचार है हमारे साथ जरूर साझा कीजिए। कार्यक्रम में जुड़ने के लिए टेलीफोन नंबर हमने फ्लैश कर रखे हैं। तो क्या ऐसे प्रदेश में विकास हो पाएगा? भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में सरकार क्यों विफल हो जाती है बार बार? ग्रामीणों के साथ अन्याय क्या वाकई में हो रहा है प्रशासन के द्वारा? क्या ग्रामीणों की सुनने वाला और कोई नहीं है? जो भी आपकी राय है, जो भी आपके विचार हैं, जो भी आपके सुझाव हैं हम तक जल्द से जल्द पहुंचाएं। कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपने इलाके में भी बताइए कि आपके आसपास भी कई ऐसे अवैध निर्माण होंगे जो कि खुलेआम हो रहे हैं, अवैध कब्जे हो रहे हैं, इन पर कैसे पुलिस प्रशासन शिकंजा कर सकता है, कैसे लगाम लगेगी, ये भी आप हम तक जरूर पहुंचाएं। अभी काफी सारे दर्शक हमारे साथ जो जुड़ रहे थे वो बता रहे थे कि कैसे प्रशासन की नाक के नीचे अवैध कब्जा हो जाता है, अवैध निर्माण हो जाता है और वो कुछ नहीं कर पाता। जो भी आपकी राय है हम तक जल्द से जल्द पहुंचाएं। कार्यक्रम में जुड़ने के लिए टेलीफोन नंबर्स लगातार हम फ्लैश कर रहे हैं, ऊपर इन दिए गए नंबर्स पर कॉल कीजिए और हमें बताइए क्या आपके इलाके में, आपके आसपास भी ऐसे ही अवैध कब्जा हो जाता है। सोचिए गोहाना का ये मामला कितना समय पुराना है, जहां पर सिरसाड़ में 384 एकड़ पंचायती जमीन पर कब्जा हो जाता है, पंचायती जमीन बताई जाती है और उसके बाद प्रशासन द्वारा इस कब्जे को छुड़वाया जाता है। हालांकि
अब इस पूरे मामले में पुलिस ने कार्रवाई भी की है जल्द से जल्द। रोहताश सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, नमस्कार रोहताश जी। मैडम जी, मैं पार्षद रहा हूँ और गवर्नेंस कमेटी का सदस्य रहा हूँ जी, बताइए। मतलब ये कहावत है ना, बोले एक देसी भाषा के अंदर कहावत है, बोले गोरा जिसका जोरा और लठ जिसकी मैस। जिसके पास ताकत होती है वही पंचायती जगह कब्जाता है। और ये सरसाड़ गांव सरसाड़ के अंदर भी हुआ, और लगभग गोहाना के नजदीक जंगल था सरकारी, उसके अंदर भी हजार किले के लगभग हैं, उनको भी जो बदमाश वृत्ति के लोग हैं वो अपनाए हुए हैं जी। और मोदी सरकार से और बीज साहब से और इनसे सभी से अमित शाह से मेरी सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि जितने भी सरकारी प्रॉपर्टी के ऊपर लोग कब्जा किए हुए हैं, चाहे कोई भी किया हुआ हो, उसको छटवाने की कृपा जरूर करें। धन्यवाद मैडम जी, बहुत शुक्रिया आपका। तो वाकई में उन्होंने बात कही कि कुछ दबंग ऐसे होते हैं जो अवैध कब्जे करते हैं, और ऐसा ही उन्होंने कहा। बाकी के दर्शक हमारे साथ जुड़े, जल्द से जल्द कार्यक्रम में जुड़कर अपने विचार अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। बताइए हमें कि क्या वाकई में आपके इलाके में भी कुछ ऐसे ही दबंगियों ने या फिर कुछ ऐसे लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है, या आपको लगता है इस पर प्रशासन अगर कड़ा संज्ञान ले तो इस तरीके के काम हो ही ना पाए। पंचायत की जमीन पर आखिरकार कैसे इतने सालों तक कब्जा रहता है, उस पर निर्माण भी हो जाता है और प्रशासन कुछ नहीं कर पाता। हालांकि जब कोर्ट की फटकार लगती है तब सब जागते हैं और उसके बाद आगे की जो कार्रवाई है वो की जाती है। तो हल्ला बोल में आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं लगातार, और आपके विचारों का इंतजार कर रहे हैं। आपके सुझाव क्या हैं और आपको क्या लगता है क्यों प्रशासन की लापरवाही की वजह से खामियाजा जनता को भी भुगतना पड़ता है, एक के बाद एक अवैध काम होते रहते हैं और उसके बाद प्रशासन कुछ नहीं कर पाते। हवा सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, नमस्कार हवा सिंह जी। जी बोलिए। ऐसा है जी, सरकार जो है, सरकार को ये नहीं है कि पता नहीं है, प्रशासन को सब पता होता है। अभी जो है सरकारी जमीनें जो होती हैं या पंचायती जमीनें होती हैं उन पर जो नाजायज कब्जे हो जाते हैं और प्रशासन को पता होता है, लेकिन ऊपर से जब कोई शिकायत आती है तभी ना ऐसा प्रशासन जो है ना वो कार्रवाई करने में उतार होता है। लेकिन वहाँ भी जो है सरकार के जो मंत्री वगैरह हैं, एमएलए वगैरह हैं, उनकी सह होती है। अभी देखो पहाड़ों में खनन होती है, अगर मैं रेत का खनन होता है, कहाँ ऐसी जगह है जहाँ खनन नहीं होता। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। नहीं होती जी, सही बात कही हवा सिंह जी आपने। का घोड़ा है, बाकी जो है सरकार अगर इसके बारे में चिंता करेगी तो करेगी। बहुत शुक्रिया हवा सिंह जी आपका, आप जुड़े हमारे साथ। बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े जिन्होंने बताया हमें कि कैसे लगातार अवैध कब्जा किया जा रहा है, अवैध निर्माण भी हो रहा है, उस पर कैसे और कब जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी ये देखना होगा। चलिए इसी के साथ हल्ला बोल में आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।